यूपी के बाराबंकी जिले के खेती के जादूगर किसान रामशरण वर्मा के नाम एक और उपलब्धि जुड़ गई है। किसानों के रोल मॉडल बन चुके रामशरण वर्मा को गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पद्मश्री पुरस्कार देने की घोषणा की है। वहीं रामशरण वर्मा का कहना है कि दूसरे किसान भी अगर मेहनत और लगन से काम करें तो न केवल वे लाभान्वित होंगे बल्कि इस पुरस्कार को भी हासिल कर सकते हैं। आपको यूं तो तमाम पुरस्कार मिले। जी हाँ, राष्ट्रीय पुरस्कार मिले। जी, बहुत सारे राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं। और ये जो पद्मश्री पुरस्कार, ये जो आज सम्मान मिला है, ये हमको सबसे बड़ी खुशी है कि एक किसान को मिला है। और ये सम्मान हम अपने देश के करोड़ों किसानों को समर्पित करते हैं। इस सम्मान से हमारे देश के करोड़ों किसानों को हमारी आधुनिक जैसी खेती करने का बल मिलेगा। किसानों को हम यही मैसेज देना चाहेंगे कि किसान आधुनिक खेती करें, फसल चक्र करें और जो है हमारी फल एवं सब्जी, ये परंपरागत खेती है, इससे हट करके फल एवं सब्जी की खेती करें और फसल चक्र के साथ खेती करेंगे तो उनका जीवन स्तर ऊपर बढ़ेगा। जी हाँ, हमने संघर्ष किया 1986 से, हमने खेती शुरू की, 4 एकड़ से खेती शुरू की, 6 एकड़ से खुद खेती शुरू की, आज हम 150 एकड़ पे खेती कर रहे हैं और हमारे पास जमीन तो 10 एकड़ है। हमने 140 एकड़ सहकारिता आधारित किसानों को जोड़ करके हमने खेती किया। आज 50,000 किसान जो हमारे फॉलोअर हैं, जो हमारी टेक्निक से खेती करते हैं, हमने उनको सिखाया है पूरे प्रदेश में। आप 50 जिलों में हमारे करीब 50,000 किसान हैं और करीब 10 लाख किसान अब तक हमारे मॉडल खेती को देख चुके हैं पूरे भारत के। जी इस खेती से कितना लाभ मिला है आपको? नहीं, इस खेती के हमारे पास कुछ नहीं था। आज जो हम करोड़ों का टर्नओवर करते हैं, 1 एकड़ में 4 लाख का केला बेचते हैं, 3 लाख का टमाटर बेचते हैं और आप समझिए कि 15 से 20 हजार लोगों को साल में रोजगार देते हैं, तो सारा खेल तो हमारा एक खेती से है। हमने 1986 में मुश्किल का 1,000 रुपये से पूंजी से शुरू किया था। हम तो एक जवान में ये कहेंगे कि आज हम खेती से 0 से 100 हैं, क्योंकि हमारा एक लंबा समय हुआ है, हम 30 साल से ऐसा काम कर रहे हैं। जो हमारे किसान पौधे से बात करेंगे, खेत में काम करेंगे, तो बिल्कुल हमारे बहुत सारे किसान एक पुरस्कार पा सकते हैं। अब्दुल कलाम जी ने इनको कृषि का जादूगर बताया था और आज इन्होंने साबित कर दिया है पद्मश्री सम्मान पाकर कि ये वाकई में कृषि के जादूगर हैं। ईटीवी के लिए बाराबंकी से अलीम।